सभी संगीत प्रेमी और कलाकारों का संगीत मेंटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत ही पॉपुलर गाना कौन है जो सपनों में आया। इसका संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन साहब ने और लिरिक्स लिखे थे हसरत जयपुरी जी ने। ये जो गाना है, इसका जो रिदम है वो है वॉल्ट्ज़। उसका काउंटिंग होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। राग भैरवी पे आधारित है ये गाना और इसका जो स्केल है वो है ई। तो ई नोट से आपको रेगा धनी कोमल बजाना है, ठीक है, ई से ई तक। इसमें सॉन्ग है ये सा कोमल रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी सा। इसका पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपको प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो ये थे राग भैरवी के नोट्स, लेकिन इसमें एक जगह एक्सीडेंटल लगता है तो शुद्ध का भी लगता है, ये नोट आप ध्यान रखिएगा। एक जगह ये भी नोट लगता है कंपोजिशन के हिसाब से। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संगीत मेंटर चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे संगीत मेंटर चैनल, तो मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर हफ्ते। और अगर आपको लेसन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, कमेंट्स कीजिएगा। आपके हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ में कौन है जो सपनों में आया। सबसे पहले सीखते हैं इसका प्रीलूड म्यूजिक। आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं इस पे। रिपीट। और इसके बाद ये एक बार मैं पीस आपको स्लो में सिखाना चाहता हूँ। ये पीस को एक बार हम लोग स्लो में देखते हैं, देखिए कैसे आता है। टुकड़े टुकड़े में करेंगे इसे। ये पीस एक बार फिर से सीखते हैं वेरी स्लो। फिर से देखिए, रिपीट। फिर सॉन्ग शुरू होता है, ठीक है। अब ये पीस को मैं एक बार थोड़ा फास्ट बजा के बताता हूँ आपको, जैसे बज रहा है ओरिजिनल के आसपास। तो
तो आइए दोस्तों अब गाने की शुरुआत करते हैं एक एक लाइन। उसके बाद में इसका आता है इंटरल्यूड म्यूजिक। आइए फिर से देखते हैं इसका इंटरल्यूड म्यूजिक। अब ये पीस को हम लोग सीखते हैं वेरी स्लो। इतना एक पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट, अब पूरा एक साथ कैसा बजेगा ये पीस। उसके बाद में चार बार ये म्यूजिक आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, ये दो बार बजाना है, दो बार, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए स्लोली म्यूजिक। आइए सीखते हैं अंतरा। लास्ट लाइन।
लास्ट लाइन। देन मुखड़ा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, इसे प्रैक्टिस करोगे। अगले लेसन में फिर मिलूँगा आपको एक नए गाने के साथ। थैंक यू सो मच।